अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट मॉडरेटर नकीम हुसैन यासी। नाजरीन, आज मैं आपके लिए जौन सी जड़ी बूटी लाया हूँ, वो गंदे तालाबों और जोहड़ों में होती है, और कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं कि जो इन्हीं जगहों पे होती हैं। तो उस जड़ी बूटी की तरफ चलते हैं। वो मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि ये तीन पत्ती इसको बोलते हैं, और ये जाला नहीं है, ये जड़ी बूटी है, तो जाले नुमा होती है। ठीक है जी, तो उस जड़ी बूटी की तरफ चलते हैं। और सुना है कि इसके अंदर, मैंने वैसे ट्राई करना था भी, ये मेरी लिस्ट में था, तो मेरे उस्ताद ने भी कहा था कि इसमें तांबा कुश्ता होता है, और इसमें आग देख देखना तुम। तो वो चलते हैं उसकी तरफ। लेकिन तालाबों और जोहड़ों में और भी बेशुमार चीज़ें होती हैं, जैसा कि ये जो नज़र आ रहा है आपको सब कुछ, ये सिंघाड़े हैं जी, सिंघाड़े के पौधे हैं, और ये भी सिर्फ तालाबों और जोहड़ों में होते हैं। ठीक है जी, ये बात एक होगी। और दूसरी बात जो हमेशा हर आदमी किया करता है, कि अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया मेरे को, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं उस जड़ी बूटी की तरफ। ये इसको तीन पत्ती भी बोलते हैं। बज़ाहिर कुछ लोग इसको अजीब सा, जाला सा और गंद सा समझ लेते हैं, और इसको छोड़ देते हैं और नज़रअंदाज कर देते हैं। तो लेकिन मैं दिखाऊंगा कि ये जो सब्ज़ कलर का गंदे पानियों में या जोहड़ों में या खड़े हुए पानी में नज़र आता है जाला सा, ये असल में जाला नहीं है, ये जड़ी बूटी है और तीन पत्ती है। ये तीन पत्ती इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके तीन पत्ते होते हैं। तो ये ग्रीन कलर में भी होती है, और एक रेड में भी होती है, लेकिन वो और तरह की होती है, रेड वाली। ठीक है जी, अभी मैं आपको इसका ये भी दिखाऊंगा, इसके तीन पत्ते होते हैं निकाल के, कोई एक पौधा आपको ये देखें आप। हाँ जी, ये देख लें जी, ये मेरे हाथ में है अभी फिलहाल। ये तीन पत्ती है जी, ठीक है, लेकिन क्लियर नहीं नज़र आएगा आपको, मैं दोबारा दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें जी, तो जड़ी बूटियों के शौकीन जो लोग हैं, उनके लिए ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी लाजमी तौर पर, क्योंकि ये तीन पत्ती बूटी है और बड़े काम की हो सकती है। कुछ लोगों को अगर काम लेना आता हो तो इसमें क्या काम लिया जा सकता है। ठीक है जी, जैसे मैंने तांबे का बताया, और भी बेशुमार इससे कुछ काम लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, तांबे का तो मैंने आपको बता दिया है। ये तीन पत्ती बूटी है, ये जाला सा ये जो नज़र आ रहा है, ये जाला नहीं है, दरअसल ये एक जड़ी बूटी है। ठीक है जी, तो इसका आपको दिखा दिया गया है। उम्मीद है कि आपको इसको, ये एग्जैक्टली देखें, तीन पत्ते हैं इसके, और इसकी पानी के ऊपर, सरफेस के ऊपर ये तैरती होती है। ठीक है जी, ये तीन पत्ती बूटी है, और जोहड़ों में और भी बेशुमार बूटियाँ होती हैं, जिसमें से जल धनिया भी शामिल है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सिंघाड़ा दिखा दिया है जोहड़ों में, ये भी गंदे पानियों में होता है। तो इसके साथ ही, इस जड़ी बूटी की शिनाख्त के साथ ही, मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो की, किसी और जड़ी बूटी की आपको वीडियो दिखाऊंगा और उसकी पहचान कराऊंगा। अभी कुछ जड़ी बूटियां दो तीन रहती हैं जो मैंने आपको पहचान करानी है, फिर इसी को लेके चलेंगे, इन्हीं के नुस्खों को। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एल्केमी होगा, फिर उसके बाद फिर चांदी सोना क्या है उसका होगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आपको मैं इस सफ़र पे ले चलूँगा, और आपको परफॉर्म करके 100% एग्जैक्टली दुरुस्त तरीके से आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है, इल्म कीमिया, और कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें, कैसे कौन सी बनाते हैं। ठीक है जी, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।